हेलो, आई एम डॉक्टर हेमा भसीन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज, चिमनपुरा। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ टॉपिक फ्रॉम बीएससी पार्ट सेकंड, जूलॉजी पेपर टू, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड स्टफ्स आर ऑल्टर्ड फिजिकली एंड केमिकली सो दैट दे आर रिड्यूस्ड टू सिंपल एसिमिलेबल फॉर्म्स। अर्थात एक ऐसी क्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स को सिंपल एसिमिलेबल घुलनशील फॉर्म्स में केमिकल विखंडन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। या हम यू भी कह सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल फॉर्म्स और सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। अब अगर हम टाइप्स ऑफ डाइजेशन देखें तो डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसा कि शब्दों से ही पता लगता है, इंट्रा सेलुलर अर्थात कोशिका के अंदर होने वाला पाचन और एक्स्ट्रा सेलुलर अर्थात कोशिका के बाहर होने वाला पाचन। इंट्रा सेलुलर, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स विद इन द सेल इन द बॉडी, अर्थात कोशिका के अंदर जब पाचन होता है तो उसे हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल डाइजेशन होता है। ये अधिकतर प्रोटोजोआ में, पॉरीफेरा में, सीलेंट्रेटा और फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिंथीज में पाया जाता है। यह फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के द्वारा होता है। भोजन इसमें फूड वैक्यूल के द्वारा इंजेस्ट करने के पश्चात लाइसोजाइम की मदद से डाइजेस्ट होता है और कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। अब अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को देखें तो यह वह पाचन है, यह वह अभिक्रिया है पाचन की जो कि सेल के बाहर होती है। तो जो सेल के बाहर होने से मतलब है यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है जहाँ पर एंजाइम्स अपना काम करते हैं। यह है क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, सिफेलोपोड्स, ट्यूनिकेट्स और वर्टिब्रेट्स में पाए जाती हैं। और यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड, जो भोजन होता है, पचित भोजन होता है, वो सेल्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अपचित भोजन को रेक्टम या एनस के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस तरह से जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखें तो दो प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में लिक्विफाइंग होता है, पहले फूड को, भोजन को पहले लिक्विफाई कर दिया जाता है, तरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको मैस्टिकेट किया जाता है और फिर वो स्वेलो कर लिया जाता है या निगल लिया जाता है। और उसके बाद वो ऑनवर्ड मूवमेंट द्वारा पेरिस्टेल्सिस एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा, जो वो ऐसा मेथड होता है जिसमें कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिससे कि फूड बोलस के रूप में फॉर्म हो जाता है। जब वो भोजन बोलस के रूप में फॉर्म हो जाता है तब वो भोजन मुंह से या बकल कैविटी से ईसोफेगस की ओर धकेल दिया जाता है। और इस तरह से ये मैकेनिकल अभिक्रिया होती है जिसमें कि पेरिस्टेल्सिस बोलस फॉर्म करता है। नाउ इसके बाद हम देखें तो एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। केमिकल डाइजेशन जो होता है वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस या एंजाइम्स जब इसके ऊपर एक्ट करते हैं भोजन के ऊपर, तब वो भोजन सरल बन के निकल जाता है। और जैसे प्रोटीन को हम सोचें तो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है, स्टार्च मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है, लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं। इस तरह से वो भोजन और केमिकल एक्शन के द्वारा छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो दिस इज अफेक्टेड बाय केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नोन एज एंजाइम्स। दे आर प्रेजेंट इन वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस विद विच फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि भोजन एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले अलग अलग अंगों में पाए जाने वाले अलग अलग एंजाइम्स के कॉन्टैक्ट में आता है और वो डाइजेस्टिव जूसेस उसको आगे की तरफ धकेलते हैं। जैसे सलाइवा माउथ में पाया जाता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, ड्यूओडेनम में बाइल आता है, ऐसे ही ड्यूओडेनम में पैनक्रियाटिक जूस भी आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस आता है। अब अगर हम ऑर्गन्स देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के
दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, इनको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, मुंह और बकल कैविटी, बकोफरिंजियल कैविटी जिसको कहते हैं, उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और आगे रेक्टम को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास आते हैं। अब अगर हम इन सब को इस तरह से देखें, पूरे को एक जगह समूहित करके देखें, तो इसमें माउथ में इंजेशन हुआ यानी कि हमने भोजन को लिया, कुछ मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हुआ, फिर ये भोजन बोलस के फॉर्म में आगे की ओर चला गया, ईसोफेगस में चला गया, ईसोफेगस से फिर ये भोजन स्टमक में गया जहाँ पे कि मैकेनिकल डाइजेशन हुआ और केमिकल डाइजेशन भी हुआ, उसके बाद ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, अगेन वहां पे भी केमिकल डाइजेशन हुआ और अवशोषण शुरू हो जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पे फिर अवशोषण होगा और पानी का अवशोषण अधिक होगा। इसके अलावा जो बचा हुआ पदार्थ है जो हमारे लिए अवशोषित भी नहीं हुआ और काम का नहीं है, उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है, वो रेक्टम और एनस के द्वारा उनको उत्सर्जित कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक जो कुछ अभी हमने ब्रीफ पढ़ा उसको अगर हम ऐसे डायग्रामेटिकली देखें तो ये पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ये तो मुंह वाला हिस्सा हो गया जिसको हम माउथ या बकल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर काफी सारी ग्लैंड्स होती हैं, चार सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ये सलाइवा सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। इसके बाद ये भोजन ईसोफेगस में आया, ये ईसोफेगस में आने के बाद यहाँ पे स्टमक में आ गया जो ये रहा, इस स्टमक में आने के बाद ये यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है और इसका ये जो ये वाला भाग है जो स्टमक से जुड़ा हुआ है, ये ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है, इसमें आके दो डक्ट जुड़ती हैं, एक तो आती है लिवर से जो बाइल डक्ट लेके आती है, जो गॉल ब्लैडर्स में बाइल इकट्ठा होता है उसको लेके आई, तो ये तो हो गई बाइल डक्ट, और एक पैनक्रिया से आई जो पैनक्रियाटिक डक्ट के रूप में आएगा, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस, वो दोनों आके यहाँ पे ड्यूडेनम में जुड़ेंगी। फिर इसके बाद ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये नीचे रेक्टम के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाता है भोजन। तो दिस इज हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को हम देख सकते हैं। अब एक ब्रीफ पूरे को अकाउंट करके देखें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था। डाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। क्यों है? बॉडी कैन एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी। फंक्शंस अगर हम देखें तो डाइजेशन का क्या काम है? इंजेशन करना मतलब लेना, फिर उसको मूव करना मोटिलिटी, फिर उसको सिक्रीशन के लिए, फिर डाइजेशन, फिर अवशोषण और फिर उत्सर्जन। इसी तरह से अगर हम डाइजेशन के स्टेप्स को वापस से एक बार रिवाइज करें तो पहले ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ माउथ के अंदर, किसके द्वारा? टीथ और एंजाइम्स के द्वारा जो सलाइवा ने सिक्रीट किए। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थ्रू इसोफेगस, वो भोजन इसोफेगस में चला गया। फिर उसके बाद वो भोजन इसोफेगस से स्टमक में चला गया और उस स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस ने काम किया ताकि उसका पाचन किया जा सके। फिर पूरा का पूरा डाइजेशन और अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वापस उसका एक्स्ट्रा पानी का एब्जॉर्प्शन कर लिया गया या अवशोषण कर लिया गया, और जो उत्सर्जन योग्य सा पदार्थ थे वो यहाँ से उत्सर्जन के लिए रेक्टम में दे दिए गए। थैंक यू।